सरस्वत्यै नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामदीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हम लोग नवधा भक्ति का प्रसंग देख रहे हैं। भगवान राम ने शबरी के निमित्त हम सब लोगों को ये भक्ति के नव विविध रंग, भक्ति के नव स्तर या नव प्रकार ये बताए हैं। अब तक हम लोग चार प्रकार की भक्ति देख चुके हैं, आइए उसका एक बार फिर से हम गान कर लेते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमा कपट तजिगान, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। कहते हैं गुरु भक्ति भक्त के जीवन में आ गई, भगवान के गुणों का वो गान करने लगा। कपट तजी गान, कोई कपट नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, मस्ती में वो गा रहा है। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। तो मस्त होकर भगवान के गुणों को गा रहा है, स्वयं में ही उस भगवान को वो देखता है। तो इस तरह हम छल कपट कोई नकारात्मकता इन सब को छोड़कर निर्मल भाव से, शुद्ध भाव से आनंद में रमने के लिए वो भगवान के गुणों को गाता है, उनकी स्तुति करता है। यदि कोई जिज्ञासु आ जाए तो प्रवचन करता है, और यदि कोई व्यक्ति संशय लेके आए तो उससे चर्चा करता है। ये सब गान के अंतर्गत आ जाता है। उसका चित्त भगवान के गुणों में विहार करता है। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग, जहां हमारा मन होता है वहां हम होते हैं। काकभूषुंडी जी ने उत्तरकांड में बताया है कि हम कलयुग में होते हुए भी हम सतयुग में रह सकते हैं। व्यष्टि जीवन में भी एक युग होता है,
बाहर कली चल रहा है, जहां भय है, आतंक है, स्वार्थ है, भ्रष्टाचार, दुराचार, ये सब है, लेकिन इसी कलयुग में संत लोग भी हैं जिनका मन पवित्र है, ज्ञान भक्ति वैराग्य से भरा हुआ है। तो सतयुग में जैसी बाह्य परिस्थिति थी, वैसी उसकी अंतकरण में परिस्थिति, तो वो तो सतयुग में ही जी रहा है। तो ये भक्त दिखता है कि वो संसार में है, लेकिन सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते, सब कुछ करते हुए भी उसमें भगवदाकार वृत्ति जो है वो सतत बनी रहती है। गान के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, तो ये जो भक्ति का एक स्तर है, और ये चौथा स्तर है। अब मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। अब बोले आइए पांचवी जो भक्ति है उसके ऊपर चिंतन करें। तो यहां गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं कि वेद प्रकाशा, वेदों में यह साधना प्रकाशित की गई, वेदों में इस जिसका प्रतिपादन हुआ, मतलब वेद प्रमाण है। वेद में केवल तत्व का ही निरूपण नहीं है, तो उस तत्व तक कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए क्या साधना करें, क्या मार्ग है, क्या उपाय है, इनका भी वर्णन है। वेद का एक भाग ही पूर्ण उपासना कांड कहलाता है। तो पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वेदों ने जिसको भजन कहा है, साधना कही है, कही है, बोले वो क्या है, तो बोले वो है जप। और यहां पे गोस्वामी जी उसको भजन कहते हैं। भजन शब्द भज धातु से बनता है, उसके अलग अलग अर्थ हैं। भज मतलब सेवा, भज मतलब प्राप्त करना। तो भगवान का नाम स्मरण यदि हम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी साधना है। हमारे भारत में ऐसे अनेक लोग हुए जिन्होंने केवल नाम के बल पर ही राम को पाया, और कोई साधना नहीं, अखंड नाम स्मरण। इसलिए लिखा है जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। जप से सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है, इसमें आप बिल्कुल भी शंका मत कीजिए। लोगों का अनुभव है। अब देखिए यहां पर जप की बात की गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूर्व की साधना नहीं करता है। पूर्व की साधना भी अंतर्भूत है, मतलब वो सत्संग भी कर रहा है, गुरु की सेवा भी कर रहा है, भगवान के गुणगान भी गा रहा है, और जप कर रहा है। इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि उसके जीवन में प्रधानता जप की हो गई है, लेकिन वो सारी साधनाएं अंतर्भूत है, इंक्लूडेड है। अब कहते हैं कि जप मतलब क्या, और जप में ऐसी क्या विशेषता है, तो कहते हैं कि देखिए जप जो है वो निवृत्ति परक साधना है, क्योंकि जप में हमको ज्यादा लोगों से मिलना नहीं है,
हम बिल्कुल अकेले हैं और बाहरी आलंबन भी ज्यादा नहीं है। पूजा की तरह द्रव्य और पानी और फूल और नैवेद्य और अगरबत्ती और दीप, इन सब की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल ये साधना बिल्कुल निरालंब है। इसमें द्रव्य की कोई प्रधानता नहीं है। जप में अधिक से अधिक शब्द का आलंबन है, क्योंकि जब भी जप होता है वो किसी मंत्र का होता है, या तो कहिए मंत्र या नाम, इसका अंतर हम आगे देखेंगे। यहां पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि वेद प्रकाशा, वेद यानी ये वैदिक साधना है, तो जो मंत्र है उस मंत्र का अनुष्ठान होता है, अनुष्ठानात्मक साधना होती है। इसमें भी देखिए दो है, निष्काम साधनाएं और सकाम साधनाएं। सकाम में एक विशेष उद्देश्य को लेकर एक विशेष मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। 24 लाख गायत्री मंत्र का हम जप करेंगे, तो अब उसमें क्या हुआ, एक संकल्प हुआ, और संकल्प लेके हम जो है दिन भर एक विशिष्ट संख्या हम निश्चित कर लेते हैं, इतने 1000 माला करना है, तो एक अनुष्ठान होता है। एक साधना होती है उसमें निष्काम भाव से, उसमें प्रेम की प्रधानता है, विधि की प्रधानता कम है, और प्रेम से भाव से जितना हो सकता है वो करता है। वहां पर वो संख्या नहीं गिनता, माला नहीं गिनता, आज 10 की 20 की, बस करते रहता है और उसको रस आता है उसमें। तो जहां पर संख्या या विधि की प्रधानता नहीं, प्रेम की प्रधानता है, तो इस भाव से प्रेम से जप होता है। अब यहां लिखा है मंत्र जाप, मंत्र का अर्थ होता है मननात्रायते इति मंत्र। मंत्र एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप मनन करें तो आपका परित्राण होता है, रक्षण होता है। मंत्र में एक तो देखिए अर्थ होता है, और एक उसका नाद होता है, ध्वनि होती है, ध्वन्यात्मक प्रभाव और अर्थात्मक प्रभाव। महर्षि पतंजलि जी ने कहा है तज्जपस तदर्थ भावनम, बोले ये जो आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसके अर्थ का भी चिंतन साथ साथ करें, अर्थ पर भी ध्यान दें। तो शब्द है, अर्थ है, आगे और देखेंगे हम। और देखिए जब हम मंत्र करते हैं तो उसमें एक लय होती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर श्वास में भगवान का मंत्र हम बोलते हैं, तो प्राणों का एक लय होता है। लय मतलब एक विशेष गति, प्राण और शब्द, और कहते हैं ये दोनों मिल जाते हैं, इसलिए कहते हैं ना हर सांस में भगवान का नाम लेना चाहिए। तो जो जप करने में रुचि लेते हैं वो श्वास को मिला लेते हैं अपने नाम से। और देखिए जब आप एक नाम लेते हैं तो नाम लेने में एक बल बल लगता है,
ओम नमः शिवाय। तो उसमें प्राण की आवश्यकता होती है। तो ये भाव करे कि हर प्राण, हर श्वास में भगवान है। ये श्वास चल रही है भगवान की शक्ति से। ये प्राण जो है व्यष्टि प्राण, वो समष्टि प्राण से अलग नहीं है। जिसका मैं नाम ले रहा हूं वही समष्टि प्राण है, वही समष्टि शक्ति है। उसी को हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, समष्टि प्राण ये सब कहा है। तो कहते हैं कि जब आप विशिष्ट प्रकार से नाम लेते हैं तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है, रक्त संचार पर पड़ता है। मन पर तो पड़ता ही है लेकिन साथ में शरीर पर भी पड़ता है। जितना गहरा जप होते जाता है उतना गहराई से हमारा व्यक्तित्व उस नाम से प्रभावित होता है। सकारात्मक परिणाम अपने शरीर पर पड़ते हैं, कोशिकाओं पर पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि ये मंत्र की साधना, जप की साधना बहुत गहरी है। निवृत्ति है इसमें, और आंख भी नहीं खोलना है, हाथ भी नहीं उठाना है, पांव से कहीं जाना भी नहीं है। तो ऐसा ये जप का मार्ग है। अब देखिए, जब ये मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र में मंत्र का एक दृष्टा होता है, ऋषि होता है कोई। तो ऐसा नियम है कि जब हम मंत्र करें तो उस ऋषि का स्मरण करें, ऋषि का उच्चारण करें। एक तरह से आप कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। उसमें एक कीलकम होता है, उसकी एक देवता होता है उस मंत्र का। जैसे गायत्री मंत्र है तो सविता देवता, उसका एक छंद होता है गायत्री छंद। विश्वामित्र उसके ऋषि है। तो इन सब का उच्चारण करके करे तो अच्छा है, यदि नहीं मालूम तो ठीक ही है, फिर ज्ञान भी तो होना चाहिए ना। अब हम लोगों ने परंपरा से यदि वो उस मंत्र को लिया नहीं है, किसी ने बताया नहीं है, तो फिर ठीक है। लेकिन यदि ये सब चीजें ज्ञान, इसका ज्ञान प्राप्त करके की जाए तो और भी ज्यादा प्रभावी हो जाती है। फिर कहते हैं मंत्र को जपने के पहले, अब चूंकि मंत्र पवित्र है, मंत्र शुद्ध है, तो हमको पहले अपने आप को पवित्र करना चाहिए। इसलिए ऐसा लिखा है शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव जी का यजन कर रहे हैं, शिव जी का स्मरण कर रहे हैं, तो बोले पहले अपने शरीर, हृदय, अपने जितने अंग है, इंद्रियां हैं, उनको हम क्या करें, मंत्रमय करें। तो उसको कहते हैं न्यास, अंगन न्यास, करण न्यास। हाँ, एक एक उंगली पर देवता का आवाहन करके उनको स्थापित करते हैं। करण न्यास, हृदय न्यास, अंगन्यास। आप जब रुद्री पढ़ते होंगे तो रुद्री के पहले ये सब आता है। फिर कहते हैं कि जब इस तरह आपने न्यास आदि कर लिया, उसके बाद फिर अब आप माला ले सकते हैं, या एक होती करमाला। करमाला मतलब हम अपने उंगलियों पर ही गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जो उंगलियों पर निशान है इसको ही आपने क्या बना लिया, मणि। तो वो करमाला कहते हैं उसको। वो आप कीजिए, या फिर मानसिक जप हो सकता है। आंख बंद करके
मन में एक एक मंत्र का उच्चारण हो रहा है और मन को उस नाम के ऊपर हम स्थिर कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कोई भी आलंबन नहीं है, आपका मन ही आपके साथ है, बस मन और मन में मंत्र का उच्चारण। अब ये मंत्र का उच्चारण भी पहले कहा वैखरी वाणी से कीजिए, फिर मध्यमा, फिर पश्यंती। मंत्र को धीरे धीरे सूक्ष्म करें और कहते हैं कि यह जो मंत्र जाप है यही व्यक्ति को ध्यान में ले जाता है। जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, जिसका आप मंत्र कर रहे हैं, धीरे धीरे शब्द विलीन हो जाते हैं और जो शब्द का स्वामी है, जिसका शब्द है, वही केवल चित्त पर आरूढ़ रहता है। जब ध्यान गहरा हो जाता है तो जैसे ध्याता का विस्मरण हो जाता है, केवल ध्येय रह जाता है। ऐसे यहां पर भी जो जिसका आप जप कर रहे हैं, केवल उसी की स्मृति, उसी की वृत्ति रहती है। तो इस तरह ये मंत्र जाप की साधना बताई। अब इसके लिए कहा गया, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब हम ये जप करें तो ऐसे स्थान पर करें जो पवित्र हो, शुद्ध हो। तो इसलिए अपने घर में एक स्थान होना चाहिए, कॉर्नर, एक कोना, जहां पर एक आसन हो और आसन स्वच्छ हो। इसलिए कहते हैं सभा या अभ्यंतर शुचि, बाहर और अंदर दोनों तरह क्या होना चाहिए, पवित्रता। तो शंकराचार्य जी कहते हैं प्राकृतिको कृतिको वा, सहज वो पवित्र है, सुंदर है, शांत है वो स्थान, सहज ही, जैसे गंगा जी का किनारा है या अरण्य है, हिमालय है, तो प्राकृतिक है। दूसरा कहते हैं कि कृतिका, आपने उसको जो है क्या स्वयं बनाया है, किया है, तो जैसा भी हो स्थान ठीक होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं परिग्रह कम हो। ऐसा कहते हैं जब आप मंत्र में गहरे हो चले जाते हैं, योगक्षेम की चिंता भगवान करते हैं, ध्रुव की योगक्षेम की चिंता भगवान ने की, प्रहलाद की योगक्षेम की चिंता भगवान ने की, जो जरूरतें भगवान वो प्रोवाइड करते हैं। बस जो यहां पर कहा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास दृढ़ हो। बस नाम की साधना में होता यह है कि विश्वास हिलते रहता है, स्वयं ही उसको लगता है कि मालूम नहीं नाम कुछ काम करेगा कि नहीं, नाम भगवान तक पहुंच रहा है कि नहीं, भगवान सुन रहे कि नहीं जो मैं कह रहा हूं, श्री राम जय राम जय जय राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी आप नाम ले रहे हो, मंत्र कर रहे हो, ये प्रश्न आता है कि भगवान तक मेरी वाणी पहुंच रही कि नहीं। इसलिए वहां लिखा है दृढ़ विश्वासा, बहुत श्रद्धा की जरूरत है, क्योंकि जो नामी है वो तो दिख नहीं रहा है, विश्वास के बल पर ही नाम की साधना हो रही है। और विश्वास का अर्थ ही होता है कि जिसको हमने देखा नहीं, ये माना है, स्वीकार किया है कि वह सत्य है, सत्य बुद्धि अवधारणा। इसलिए यहां गोस्वामी ये विश्वास शब्द डालते हैं। इस जप की साधना में एक ये देखा गया कि केवल हिंदू धर्म के लोग
मंत्र का जाप करते हो ऐसा नहीं है। हर धर्म में जप की साधना प्रिस्क्राइब की गई है, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिख धर्म हो, यहूदी हो, पारसी हो, सब लोगों के हाथ में आपको माला दी जाएगी। माला न हो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है यज्ञ आगादि आपको नहीं देखने को मिले, मूर्ति पूजा देखने को ना मिले, लेकिन जब सब लोग अपने अपने भगवान का नाम लेते हैं, और सबका विश्वास है क्योंकि भगवान यदि अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, तो आप चाहे जोर से नाम लीजिए, धीरे से नाम लीजिए, जरूर वो सुनता है। भक्त तो उसके मन में जरा भी शंका नहीं होती। अब कहते हैं, देखिए अपने यहां पे अलग अलग तरह के नाम या मंत्र, देखिए एक होता है मंत्र जैसे अभी हमने कहा, फिर कुछ होते हैं नाम, राम राम राम, शिव शिव शिव, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कुछ भी नाम ले सकता है। नाम में ज्यादा बंधन नहीं है, खाते पीते सोते जागते कभी भी नाम ले सकते हैं, लेकिन मंत्र के लिए कहा गया कि एक विशेष आसन हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, स्नान इत्यादि करके, न्यास इत्यादि करके फिर हम करें। अब देखिए अपने यहां पर कहा गया नाम है, मंत्र है, मंत्र में भगवान के नाम है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब इसका अर्थ क्या है, श्री राम जय राम, इसका अर्थ क्या है, ओम नमः शिवाय, अर्थ क्या है? क्योंकि आपने अभी कहा कि अर्थ को जान करके फिर जप करें ज्यादा प्रभावी होता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका अर्थ यह है कि भगवान वासुदेव आपको नमस्कार, आपको नमस्कार। नमस्कार का अर्थ है हमारा पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। नमः शब्द बहुत गंभीर है, गहन है, जो कुछ भी है वो आपका है, न मम, आपने ही संयोग बनाया है कि मैं ये आपका नाम ले रहा हूं, आपने ही कृपा की कि मेरी ये बुद्धि में आया कि भगवान का नाम लेना चाहिए, आपकी ही कृपा है कि मेरा शरीर स्वस्थ है और मैं बैठकर आपका स्मरण कर पा रहा हूं। तो जहां पर अपने लिए कुछ भी नहीं, सारा श्रेय भगवान को दे रहा है, इसको नमः, ये असली नमस्कार। मैंने किया क्या है, वो लोग कहते हैं ना, देखो नाम किसी दूसरे ने दिया, जन्म किसी दूसरे ने दिया, नौकरी किसी दूसरे ने दी, और जब हम मर जाएंगे तो उठाने वाले भी कोई दूसरे ही होंगे, तो अभिमान किस बात का? सारा खेल तो भगवान हाँ आपका ही बनाया हुआ है, सारा ताना बाना आप ही ने बुना है, सारे संयोग वियोग आप ही बना रहे हैं। नमः, और आप कौन है? बोले आप वासुदेव, वासुदेव मतलब वासयति सर्वा, हर जगह आपका वास है, निवास है, उसको कहते वासुदेव। इसलिए गीता में श्लोक आता है वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, सर्वम वासुदेव है, हर जगह आप हैं। वो जगत में ईश्वर को देखता है, और धीरे धीरे ये बात होती है कि ईश्वर ही रह जाता है, जगत नहीं दिखता उसको, पहले जगत सहित ईश्वर, अब जगत रहित ईश्वर।
तो ये नाम में देखिए या मंत्र में ये सब अर्थ छिपे हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो परमात्मा केवल हृदय में ही नहीं बाहर भी है, चराचरम अंतर्बहिश्च तत्सर्व व्याप्य नारायण स्थितम। अब ऐसे आप देखिए, ओम प्रणव का जप होता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं भगवान का सबसे सुंदर नाम ओम प्रणव है। तो बोले इस प्रणव के अर्थ पर चिंतन करते हुए जप करें। अकार उकार मकार, अकार उकार मकार का अर्थ है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और दो ओम के बीच में जो गैप है अमात्रा, उसका अर्थ है तुरीय। तुरीय ही वास्तविक तत्व है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति उसके ऊपर अध्यस्त है। तो वह तत्व शांत है, मौन है, इसलिए दो ओम के बीच में जो गैप है अंतराल है, जहां कुछ भी ध्वनि नहीं है, उसके ऊपर चिंतन करें। जैसे शब्द शांत हो जाती है तो मौन, ऐसे ही जहां पर प्रपंच शांत हो जाता है वो है तुरीय। प्रपंचोपशम मांडुक्य में कहा शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम तुरीयम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। तो ओ ऐसे ही जब हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो उसका अर्थ होता है कि भगवान आप मंगल रूप है, आपके कारण ही जीवन में शुभ है, कल्याण है, प्रसन्नता है, आप चैतन्य रूप है और मंगल रूप है। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए एक तो इन सारे मंत्रों का एक सगुण अर्थ है, शिव जी का एक रूप है, भगवान कृष्ण का रूप है। रूप के ऊपर आप ध्यान कर सकते हैं जब आप मंत्र कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए उसका एक गहन अर्थ भी है, निर्गुण अर्थ भी है। तो ओम नमः शिवाय, ऐसे ही आप देखते हैं श्री राम, जय जय राम, ये मंत्र भी बड़ा प्रसिद्ध है। त्रयोदश अक्षर मंत्र, 13 अक्षर है इसमें, और कहते हैं शिवाजी के गुरु जो समर्थ रामदास स्वामी हुए, उन्होंने इसी मंत्र का जप करके भगवान राम का दर्शन किया, 13 करोड़ बार जप किया। तो ऐसा ये सिद्ध मंत्र है। आज भी यदि कोई इन मंत्रों का जाप करे पूरे भाव से तो चित्त शुद्धि होती है, भगवत दर्शन होता है, अनुभव होता है, लोगों को कई कई सिद्धियां मिल जाती है, क्योंकि भगवान की शक्ति काम करती है उसके जीवन में। तो श्री राम, जय राम। अब इस मंत्र का क्या अर्थ है, तो देखिए इस मंत्र में जय शब्द आया है, जय जय भगवान आपका हमारे जीवन में विजय हो, विजय हो, विजय हो, आप ही जीते हम हारे, आपकी इच्छा पूरी हो। क्योंकि हम जानते हैं आपकी इच्छा पूरी होती है तो उसमें मेरा भला होता है, मेरी इच्छा पूरी होती है तो मालूम नहीं भला होता है, लाभ है, हानि है, नुकसान है। इसलिए भक्त तो यही कामना करता है कि जिसमें मेरा हित है वो आप कीजिए। तो भगवान को हमेशा क्या आगे रखना, भगवान जीवन के नायक है, भगवान हमारे जीवन की ध्वज पताका को लेके आगे चल रहा है, भगवान आपकी ही जय हो। देखिए अपने भीतर एक तो वासनाएं आती है,
इच्छाएं आती है, उनका जोर होता है, उनका प्रभाव होता है, उनका बल होता है। तो भगवान से प्रार्थना यही कि उनका बल क्षीण हो और आप ही हमारे जीवन के सारथी हो। ईश भजन सारथी सुजाना, गोस्वामी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। भगवान आप ही हमारे भीतर प्रेरक बन के बैठे रहे और हमको सही दिशा में प्रेरणा दे। तो ये अर्थ है श्री राम, जय जय राम। आप भीतर रहकर हमको सही दिशा में ले। जैसे गायत्री मंत्र का भी यही अर्थ है, धियो यो न प्रचोदयात। हमारी बुद्धि को आप उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा की ओर ले चले, बस यही यही मेरी इच्छा। इस तरह से ये हर मंत्र को अर्थ के साथ जप करने से लाभ बहुत है। अब देखिए मंत्र का के लाभ क्या है। तो बोले एक तो आपकी वाणी शुद्ध हो रही है, उतनी देर आप संसार की बातों से छूट गए जितनी देर जप हो रहा है। मन में प्रपंचाकार संसाराकार वृत्ति एक घंटे के लिए बनती ही नहीं है यदि यदि जप गहरा हो तो। मुक्त हो गए और भगवान के स्मरण से भगवान की प्रसन्नता भी मिल रही है। भगवान खुश हो रहे हैं कि वाह, सब कुछ छोड़ के मेरा नाम ले रहा है। तो भगवान के आशीर्वाद हमको मिलते हैं, सिद्धियां इत्यादि मिल सकती है। और कहते हैं नाम से व्यक्ति नम होता है, नम मतलब नम्र होता है। जीवन का जो कड़ापन है, अभिमान है, कठोरता है चित्त की, वो क्या हो जाती है, कोमलता में परिवर्तित हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण महर्षि वाल्मीकि है। कहां तो इतने कठोर हिंसक लूटने वाले लोगों का धन हरण करने वाले बांधने वाले, मालूम नहीं कितनी सारी चीजें उनमें थी जो कि अध्यात्म की दृष्टि से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं। लेकिन आप नाम का चमत्कार देखिए, वो भी उल्टा नाम का, कि वाल्मीक भय ब्रह्म समान। इसलिए यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि आप इस साधना को करें। शबरी माता ने देखिए यही साधना की, जप की साधना ही प्रधान थी। नाम की साधना का प्रभाव यह हुआ कि नाम ही उनके झोपड़ी में उनके आश्रम में खुद चल गया। हम लोग एक भजन गाते हैं, राम नाम अति मीठा है कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम, आ जाते हैं गाकर। तो देखिए तो ऐसी ये साधना दिखने में बड़ी सरल है, आसान है, लेकिन प्रभाव में बहुत गंभीर है। इस तरह यहाँ पे पांचवी भक्ति का निरूपण हुआ। अगली भक्ति हम अगले प्रवचन में देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।